नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंजल वन जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग ऐप था, उसमें हम ऑर्डर को कैसे डालते हैं, कैसे हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एंजल ब्रोकिंग ऐप को ओपन कर लेना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है विश लिस्ट, यहाँ पर जाना होता है आपने। और अभी आपने क्या करना है, जिस स्टॉक को आप बाय करना चाहते हो उसको आपने यहाँ पे ऐड स्टॉक में सर्च कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बजाज फाइनेंस, सर्च करते हैं हम, यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस आ गया। अभी हम इसको टैप करेंगे। अभी देखिए हमारे पास दो एक्सचेंजेस आ गई हैं, BSE और NSE, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं लेकिन ज़्यादा लोग NSE प्रीफर करते हैं। आपको जो भी चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं NSE को चूज़ करने वाला हूँ। अभी देखिए बजाज फाइनेंस हमारी विश लिस्ट में ऐड हो चुका है। अभी हम इस स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बाय करने के लिए यहाँ पे टैप करूँगा और नीचे देखिए आपको बाय बटन दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने अभी ऑर्डर चल रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है कितने सेल ऑर्डर चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बाय करना है तो यहाँ पे हम बाय पे टैप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐड करनी है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो। जैसे एक स्टॉक का अभी प्राइस है 7494 रुपये, आपको इसके हिसाब से एंटर करनी पड़ती है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने एक स्टॉक बाय करना है या 10 बाय करने हैं, तो यहाँ पर मैं 10 ऐड कर लूँगा, एक बाय करना है तो मैं एक ऐड कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो भी प्राइस एंटर करोगे उस प्राइस पे ही आपका स्टॉक बाय होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 794 रुपये का चल रहा है तो मैं चाहता हूँ 790 पे बाय करना, तो यहाँ पे मैं 90 एंटर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि 7300 पे बाय करना है तो यहाँ पे मैं काट के 7300 कर दूंगा। मतलब अगर बजाज फाइनेंस आज 7300 का प्राइस टच करता है, मतलब इतना गिरता है, जैसे आज के हिसाब से करीब 200 रुपये और गिरेगा 7300 पे आएगा तो मेरा ये स्टॉक बाय होगा, तब अगर मैंने लिमिट प्राइस है यहाँ पे 7300 एंटर किया है। जैसे इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ अभी जैसे 7492 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हो चल रहा है जो प्राइस, तो मैं चाहता हूँ कि 7490 पे एंटर करना है मैंने, मतलब बाय करना है मैंने, तो मैं यहाँ पे 7490 एंटर करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मार्केट ऑर्डर, जैसे इस टाइम जो भी प्राइस चल रहा है बजाज फाइनेंस का, मैं उस प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली यहाँ पे मार्केट करना है और ये फील्ड चली जाएगी। यहाँ पे देखिए अभी मैंने मार्केट किया तो अभी आपको यहाँ पे कोई प्राइस एंटर नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, जैसे इस टाइम चल रहा है 7493 रुपये, इस प्राइस पे ही आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे हमने क्वांटिटी ऐड करनी है, दूसरे नंबर पे हमने चूज़ करना है कि लिमिट प्राइस पे बाय करना है या मार्केट प्राइस पे बाय करना है। लिमिट प्राइस मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना चाहते हो, मार्केट प्राइस मतलब जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है इस टाइम उस रेट पे मुझे वो स्टॉक मिल जाए। उसके बाद होता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आप बाय करना चाहते हो और होल्ड करना चाहते हो। होल्ड मतलब कि आज आपने बाय किया, कल परसों एक साल बाद 10 साल बाद आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आप डिलीवरी लेते हो उस केस में, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग आपने कभी नहीं करनी है इसलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा भी नहीं। उस दूसरे नंबर पे होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज आपने बाय करना है और आज ही आपने सेल कर देना है स्टॉक को, इसको कहते हैं हम इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको शाम तक, जैसे अभी टाइम हो गया है 3:10, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मुझे 3:15 से पहले पहले, इंट्राडे का टाइम होता है 3:15 से पहले पहले मुझे इस स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना होगा आप डिलीवरी लेना चाहते हो या इंट्राडे करना चाहते हो, मतलब इंट्राडे आप समझ गए उसी दिन बाय उसी दिन सेल। डिलीवरी का मतलब आपने बाय कर लिया, जब जी चाहे आप तब सेल करोगे। तो यहाँ पे एक देखिए इंट्राडे में हमें मार्जिन लगता है सिर्फ इतना, अगर आपने डिलीवरी लेनी तो आपको फुल प्राइस पे करना पड़ेगा क्योंकि आप एक बार लेके अपनी मर्जी से इसको सेल करना चाहते हो। इंट्राडे में मार्जिन कम लगता है, यहाँ पे देखिए 1800 रुपये लगेगा। अभी देखिए ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर ली। एडवांस ट्रेड में मैं आपको कोई और ऑप्शन बता देता हूँ।
यहाँ पे डे वैलिडिटी इसका आपने कुछ नहीं करना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी इसको भी आपने नहीं छेड़ना है। एक बार आपने ये सारी डिटेल्स जब ऐड कर दी, आपने सिंपली यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है और फिर कंफर्म बाय पे टैप कर देना है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपने किसी और स्टॉक को बाय करना है, तो आप फिर से यहाँ पे स्टॉक में जाओगे। जैसे अभी इस बार हम टाटा मोटर सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स आ गया। आपने सिलेक्ट करना है NSE या BSE, हम NSE सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे ये स्टॉक ऐड हो गया। अभी इसको बाय करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया, टैप किया, अभी बाय। अभी मैंने क्वांटिटी एक रखी, एक रखनी है, 10 रखनी है, यहाँ पे डिपेंड करता है, 100 रखनी है, आप अपने हिसाब से जितनी बाय करना चाहते हो वो एंटर करोगे। प्राइस एंड जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना चाहते हो तो लिमिट को सिलेक्ट करके यहाँ पे वो प्राइस एंटर कर दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने बाय करना है 293 रुपीज़ पे, तो अभी मैं लिमिट करके जब बाय करूँगा तो जब ये प्राइस 293 पे आएगा तब भी मेरा ऑर्डर बाय होगा, अदरवाइज़ ये स्टॉक बाय नहीं होगा आज। अगर ये 293 रुपये पे जाएगा तभी ही बाय होएगा, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो कि किसी भी प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, तो आपने सिंपली मार्केट कर देना होता है। अभी आपने सेलेक्ट करना है इंट्राडे या डिलीवरी। तो डिलीवरी में क्या होता है, आपने अभी स्टॉक लिया और जब चाहो आप बेच सकते हो। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, ठीक है। इस बार हम डिलीवरी पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, अभी बाय। अभी आपने कंफर्म करने के लिए फिर से टैप कर देना है। अभी देखिए ऑर्डर प्लेस्ड, यहाँ पे देखिए उसी टाइम मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर डाला था और मार्केट पे जो भी प्राइस था उस टाइम मार्केट पे प्राइस था, यहाँ पे देखिए 293.20 रुपीस पे हमने ये स्टॉक को बाय किया है, ठीक है। तो इस तरह करके आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसकी मैंने डिलीवरी ली है। डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने आज बाय किया और अपनी मर्जी से 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब चाहो तब बेचना चाहते हो, ठीक है। डिलीवरी का मतलब होता है जब आपकी मर्जी है तब आपने इस स्टॉक को बेचना है, लेकिन जब आप इंट्राडे करते हो तो उसी दिन बेचना और उसी दिन बाय और उसी दिन सेल करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको कोई भी बंदिश नहीं है, क्योंकि आपने डिलीवरी ली है, आपने पूरे पैसे पे किए हैं और अभी आपकी मर्जी है, जब तक चाहे आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे करके आप बाय कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग ऐप में, अभी जो कि एंजल वन ऐप हो चुका है। अभी थोड़े दिन में इसको एंजल ब्रोकिंग को एंजल वन ही सब कहेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको ये दिख रहा है, अभी ये स्टॉक कल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पोर्टफोलियो में। अभी जैसे मैं आज बाय कर लिया, इसकी डिलीवरी शाम को जब सेटलमेंट होगी तो ये पोर्टफोलियो में दिखेगा ये स्टॉक मेरा, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको सेल कैसे करना है, जब आपने एक स्टॉक को ले लिया है तो उसको सेल कैसे करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।